नमस्कार, आप देख रहे हैं वन कप न्यूज। मैं हूं अंकुर कुमार सिन्हा। वन कप न्यूज आज आपके लिए एक नया शो लेकर आया है जिसका नाम है बेड पर चर्चा। और आज इस बेड पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल पर, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर एग्जिट पोल आ चुके हैं और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है एक युवा राजनीतिक विश्लेषक रजत मिश्रा। तो रजत मिश्रा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल के बारे में हम राजनीति हिमाचल प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। तो रजत मिश्रा जी, क्या एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश को किस तरह से दिखाया गया है, आखिर किसके हाथ में होगी गति? देखिए, जो अभी तक आंकड़े आए हैं तो मैं बात करूंगा एक एक करके। जो छह हम लोगों ने मेन निकाले हैं एग्जिट पोल्स, जो अलग अलग न्यूज चैनल्स ने अलग अलग न्यूज एजेंसीज के साथ और सर्वे एजेंसीज जो हैं उनके साथ मिलकर करे हैं, तो उसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सब जगह पे सभी सर्वे में जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं सभी जगहों पर बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, वो फिर से शायद वो लोग फॉलो करेंगे और इस बार कांग्रेस को सत्ता से हटाकर बीजेपी को मौका देंगे। अब अगर आंकड़े की बात करूं तो आंकड़ों में जी न्यूज और एक्सिस एग्जिट पोल जो हुआ है उसमें बीजेपी को 51 सीट, कांग्रेस को 17 और अदर्स को 0 दिखा रहा है। न्यूज नेशन ने जो किया है उसमें बीजेपी को 43 से 47, कांग्रेस को 19 से 23 यानी कि 19 से 23 तक और अदर्स को 1 से 3 आज तक। और एक्सिस माई एग्जिट पोल ने जो किया है उसमें 47 से 55 बीजेपी को, 13 से 20 कांग्रेस को और 0 से 2 अदर्स को। न्यूज एक्स एग्जिट पोल जो इन्होंने किया है उसमें बीजेपी को 42 से 50 सीट, 18 से 24 कांग्रेस को और 0 से 2 सीट अदर्स को। समय CNX एग्जिट पोल ने जो किया है उसमें 42 से 50 सीट दी है बीजेपी को, 18 से 24 दी है कांग्रेस को, 0 से 2 दी है अदर्स को। और टाइम्स नाउ VMR ने जो सर्वे किया है एग्जिट पोल उसमें है 51 सीट है बीजेपी को, 16 सीट है कांग्रेस को और 1 सीट है अदर्स को। यानी कि अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं वो है 68, मेजॉरिटी यानी बहुमत के लिए चाहिए 35 सीट है। अगर छयों का मैंने जब एवरेज निकाला है, अगर छयों एग्जिट पोल का अगर एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज में बीजेपी को मिलती है 48 सीट यानी कि 48 सीटें जो कि बहुमत से 13 सीट ज़्यादा हैं। कांग्रेस को मिलती है 19, अदर्स के पास रहेंगी 102 जो नगण्य के बराबर है, उनकी कोई महत्ता नहीं है। बिल्कुल। तो इस बार का जो हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन रहा हुआ है, इस बार के इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस के लिए जिस तरह से मुझे लगता है कि गुजरात में राहुल जी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया, हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है उतना नहीं था, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था वो गुजरात का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण था देन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को आप कांग्रेस की तरफ से कैसे मतलब देखते हैं? देखिए, मैं आपको जहाँ तक बताऊँ कि मैं राहुल गांधी या फिर कांग्रेस को नहीं बोलूंगा, बीजेपी ने भी अपना पूरा फोकस जो है वो उन्होंने गुजरात पर ही रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह और जो हमारे पीएम हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो दोनों ही लोग गुजरात से आते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी साख का सवाल है, तो उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन अब क्योंकि वन कप न्यूज जो है वो किसी एक राज्य को अपने ध्यान में नहीं रखता है और हमारे लिए सभी के सभी राज्य और सभी के सभी चुनाव महत्वपूर्ण है, तो हम लोग हिमाचल प्रदेश को बराबर महत्व देते हुए बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा वो यही रहा है 1990 के दशक के बाद से अभी तक देखा जाए 2017 चल रहा है, तो वो पिछले 27 सालों में हर बार 5 साल में या फिर बीच में अगर विधानसभा भंग होती है तो हर चुनाव के बाद एक नई सरकार आती है और कहीं ना कहीं यही सेम पैटर्न जो फॉलो होता है वो उत्तराखंड में होता है। तो हिमाचल प्रदेश ने वही किया जो वो पिछले काफी टाइम से करता आ रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश की प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो कांग्रेस के पास 36 सीटें हैं यानी कि बहुमत से 1 सीट ज्यादा, बीजेपी के पास 27 है और अदर्स के पास 5 सीटें। हमारे सीएम हैं वीरभद्र सिंह जी, जो उनकी छवि थी वो कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसमें CBI ने कई बार उनके पास छापा मारा और सब चीज़ें करी, उसमें कहीं ना कहीं उनकी छवि को नुकसान पड़ा। नुकसान पहुंचने की वजह से कांग्रेस की जो हालत है आप सोचिए कि जो अभी सत्ता में है उसके पास 36 सीटें हैं, वो निकल के उसके पास एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 19 सीटों का, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये आंकड़ा 30 के आसपास भी होता तो शायद मैं सोचता हूँ उतना उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन काफी नुकसान हुआ है उनके वो जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसकी वजह से। बिल्कुल, मोदी जी की भूमिका, चलो गुजरात में तो अलग बात है, वो वहां से आते हैं, मोदी जी की जो भूमिका है हिमाचल प्रदेश में उसको आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए ये बात चाहे आप हो चाहे मैं हूँ या फिर मीडिया में जो भी लोग हैं, ये बात नकार नहीं सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर बीजेपी के पास मोदी जी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। और यही कारण है कि जहाँ भी चुनाव होते हैं सबसे अधिक रैलियाँ जो होती हैं वो मोदी जी की होती हैं। और यही काम उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी किया, उन्होंने वहाँ पे रैलियाँ करी काफी जाके, और कहीं ना कहीं उनकी रैलियों में भीड़ भी दिखी, लोग काफी मतलब इंटरेस्टेड थे कि उनके पीएम उनसे क्या कहना चाहते हैं। उसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं नड्डा जी, जयप्रकाश नड्डा जी, वो भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ की जनता के मन में ये भी एक उम्मीद है कि शायद जो हमारे एक बीजेपी के जो पुराने नेता हैं प्रेम कुमार धूमल जी, शायद इस बार उनको सीएम ना बना करके जेपी नड्डा जी को सीएम बनाए। तो अभी जब सत्ता में जब आएंगे बीजेपी तो इनके पास एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि इन दोनों में से किसको पसंद, हाँ बिल्कुल, किसको सीएम बनाया जाए। एक हिमाचल, एक आखिरी सवाल, ईवीएम पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ईवीएम में जो गड़बड़ी का जो मुद्दा उठा था और जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दिल्ली विधानसभा में इसको दिखाया कि इस तरह से आप इसको हैक कर सकते हैं, चुनावी वोट आप बदल सकते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हुई थी, हिमाचल प्रदेश में ईवीएम फैक्टर का कुछ फायदा हुआ कांग्रेस को? क्योंकि वो मुद्दा बार बार चीज को ये उठा रही है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, अपनी वो सेटिंग करते हैं। ईवीएम मुद्दे के अनुसार आप कैसा देखते हैं हिमाचल प्रदेश का चुनाव? देखिए अंकुश जी, मैं आपको जहाँ तक बताऊं कि एक समय था जब राजनीति में जिम्मेदारी ली जाती थी, चाहे वो हार की हो, और जीत के लिए तो जो जीती तो पूरी पूरी पार्टी की जीत है वो, तो लेकिन हार के लिए नेता जो भी हारता था वो अपनी जिम्मेदारी लेता था। लेकिन वो धीरे धीरे राजनीति में जो शिष्टाचार है वो खत्म होता जा रहा है, और वो जिम्मेदारी लेने की बजाय दोष देना शुरू कर दिया है कि हम ईवीएम की वजह से हार रहे हैं या फिर उसकी वजह से। क्योंकि आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए बीजेपी के लीडर्स जो है कहीं ना कहीं मेहनती बहुत है, वो ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 3 साल से जो विपक्ष में है केंद्र में, उसके बाद भी उन्होंने कभी जाके जमीन पे राजनीति नहीं करी है। यही कारण है कि जनता उनको उस तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो ईवीएम मुद्दा जो है वो केवल लोगों का ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भंग करने के लिए है, और चुनाव आयोग पे सवाल उठाना अपने आप में बहुत गलत है। एक संवैधानिक संस्था है जो अपने तरीके से काम कर रही है, तो मैं तो ये कहूँगा ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है, वो बस एक हार को किस तरीके से एक एक्सक्यूज जो दिया जाए, बस वो एक वो मात्र है। और जनता भी जानती है कि कितना असर इसका नहीं पड़ रहा है। अगर ईवीएम वाली बात होती तो इन्होंने पंजाब जीता तब ईवीएम सही था, हाँ बाकी 4 राज्यों में ईवीएम गलत था। बिल्कुल, अभी यूपी में निकाय चुनाव थे, सहारनपुर की एक घटना है, तो सहारनपुर में जो निकाय चुनाव में जो उम्मीदवार उठा हुआ था उस उम्मीदवार ने अपने को ही वोट दिया होगा, सिंपल सी बात है। वो एक लेडीज थी, एक महिला थी, मुझे उसका नाम अभी तक याद नहीं है, उन्होंने अपना वोट अपने को दिया, लेकिन जब उनकी काउंटिंग हुई तो उनकी एक भी वोट नहीं थी। उन्होंने लिखा कि आखिर मेरा वोट कहाँ है, मेरा तो मुझे मिलना चाहिए ना एक वोट। तो आपको क्या लगता है, कानपुर में जो ईवीएम का मुद्दा उठाया कि कानपुर में हुआ है, एक मुझे लगता है शायद अलीगढ़ में भी एक वीडियो आया हुआ था जिसने बीएसपी का ऐसे बटन दबाया हुआ था, लेकिन जो बल्ब जो रेड कलर का है वो बीजेपी के सामने बला हुआ था, ये सब 2-3 चीजें ऐसा हुआ है कि जिनको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर थोड़ा सा सोचना शुरू किया है। तो एक मशीन है, तकनीकी है, खराब हो सकती है, तो क्या ऐसा क्यों नहीं है कि सभी पार्टियां या बीजेपी खुद सामने आए, बीजेपी सामने आए फ्रंट पर बोले कि हम रेडी है आपसे इस चीज पे डिबेट करने के लिए, उसकी ये तकनीक को जांचने के लिए, सबके सामने, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने उस तकनीक को वो जांचे, इंजीनियर्स बुलाए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का मामला है। तो बीजेपी क्यों नहीं आ रही है कि भाई चलो हम ठीक है, हम शुरू है, मतलब हम इस चीज की शुरुआत ये करते हैं, ये जो झंझट है खत्म करें। देखिए बीजेपी हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन ने भी अभी सभी पार्टियों को बुलाया था और कहा था कि आप अगर आप हैक कर सकते हो तो फिर हैक करके दिखाइए। तो देखिए कुछ जो इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं वो देखिए मशीन है, वो होंगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन सिर्फ एक दो घटनाओं की वजह से अगर हम लोग पूरे पूरे एक लोकतांत्रिक शक्ति पर अगर हम लोग सवाल उठा रहे तो वो गलत है। एक संवैधानिक संस्था है जिस तरीके से काम कर रही है। रूस में आप सोचिए, हम लोगों का जो चुनाव है वहाँ पे हम लोगों के चुनाव से मतलब एग्जाम्पल दिया जाता है कि इतना बड़ा जो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है और हम लोगों के यहाँ कितने अच्छे से चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम बहुत बढ़िया काम कर रहा है और वो भी आप अपने यहाँ मंगाना चाहते हैं। तो इसमें ये कह देना कि नहीं ईवीएम कोई तरीके से गलत है, वो मेरा कहना ही गलत है। हम लोग मुद्दे पर बात करते हैं, ईवीएम अपनी जगह है। हम लोग अगर बात करें हिमाचल की, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी तक एग्जिट पोल है और जो पहले से भी कहा जा रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है
कि सीएम कौन रहेगा। मेरे हिसाब से अनुराग ठाकुर जी के पिताजी प्रेम कुमार धूमल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन मोदी जी हमेशा क्योंकि चौंकाते रहते हैं, मुझे लग रहा है इस बार शायद जेपी नड्डा जी सीएम बनेंगे। आपके हिसाब से आप बताइए, आपको क्या लगता है किसको बनाएंगे मोदी जी सीएम? नहीं देखिए, ये तो राजनीति है, कभी भी कुछ भी पलट सकता है, पर जो आप ये बात बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा जी ये एक अच्छा कैंडिडेट है और एक दमदार कैंडिडेट है, तो इस पर भी सहमति बन सकती है, लेकिन उनसे पुराने अगर देखा जाए तो ये हमारे हाँ जी पी के धूमल जी है, तो ये भी हो सकते हैं, ये अलग बात है। राहुल जी की भूमिका हिमाचल प्रदेश में कैसे देखते हैं? देखिए राहुल जी, मैं ये बोलूंगा कि पिछले अभी तक जितने भी चुनाव में उन्होंने प्रचार किया है, अब की बात चाहे हिमाचल हो चाहे गुजरात, उन्होंने गलतियां कम करी जिसकी वजह से विरोधियों को उनके ऊपर ज़्यादा अटैक करने का मौका नहीं मिला, वरना अभी तक के सारे चुनावों में राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक्स ज़्यादा होते थे। तो राहुल गांधी में कहीं ना कहीं वो अब मैच्योरिटी आई है और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, जिम्मेदारी उनकी बढ़ गई। सोनिया गांधी जी अक्सर क्या होता था जब यूपी में चुनाव होते हैं, खासकर यूपी में चुनाव होते हैं क्योंकि रायबरेली वगैरह सीट उनका अपना है, इसमें हमेशा कोई ना कोई एक रोड शो होता रहता था, लेकिन इस बार हमें सोनिया जी का रोड शो देखने को शायद हमको नहीं मिला, इस पर क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो उनकी तबीयत सही नहीं चल रही, वो काफ़ी टाइम से बीमार है, इस वजह से वो अभी सक्रिय राजनीति में नहीं है, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष भी बनाया गया, वरना आप सोचिए 19 साल से वो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, इतना तो मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, तो उनका कहना है कि स्वास्थ्य जो है वो उनका साथ नहीं दे रहा है, बस यही कारण था। और क्योंकि अब कांग्रेस की जो सत्ता है वो अब युवा के हाथ में आ रही है, कमी खल सकती है उनकी कि उनका उनको भी होना चाहिए था कैंपेन में। अब देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा नहीं है सोनिया गांधी, तो कमी तो उनकी खलेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी का दौर चला गया है, अब ये दौर राहुल गांधी जी का है, अब राहुल गांधी जी के सामने बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा भविष्य है, देखिए वो कहाँ तक इसको संभाल पाते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है और एक सजेशन है राहुल गांधी जी को, आप जीतते हैं तो बढ़िया है, बधाइयाँ हैं आपको, अपनी जीत को मनाइए, अगर हार रहे हैं तो जिस तरीके से आपने 2014 में अपनी हार स्वीकारी थी और आके मीडिया से कहा था कि ये मेरी हार है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, इस बार भी वैसे ही राजनीतिक जो शिष्टाचार है उसके तहत आइए और अपनी जिम्मेदारी लीजिए, मेरा सिर्फ इतना सजेशन। तो ये थे हमारे साथ रजत मिश्रा, अपन कप न्यूज़ के बेड पर चर्चा हम ये समाप्त करते हैं, और आने वाले वीडियो में हम आपको दोबारा फिर रजत मिश्रा जी से मिलाएंगे और बात करेंगे गुजरात के एग्जिट पोल पे। तो तब तक के लिए नमस्कार। वन कप न्यूज के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।